अभी हम दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हैं और आए थे हम किसी अपने काम से, लेकिन यहाँ देखा कि कुछ मजदूर लोग हैं जो कि दिन भर काम करते हैं और कुछ पैसा बचाने के लिए लाइन में लग के कोशिश करते हैं कोई आए खाना खिलाए। तो हमने कोशिश करी, यहाँ जितने भी मजदूर थे करीबन 200-250 मजदूर, उन सबको कोशिश करना है कि खाना खिलाया जाए और ये बहुत बड़ा काम है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके हाथों से अल्लाह ताला रिजक दे रहा है। शुक्रिया इस लाइन में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी धर्म के लोग हैं। बहुत मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप भी अपने इलाकों में देखिए जो ऐसे लोग हैं उनको आप खाना खिला सकते हैं। तो ये काम हर इंसान को करना चाहिए, अपने आसपास रेलवे स्टेशन पर, अस्पताल के आसपास आप ये काम शुरू कर सकते हैं। और जितने लोग हैं खाना खाने वाले, एक खुशनसीबी है हमारी कि हम इन्हें खाना खिलाने, ऊपर वाले ने हमारे थ्रू इनको खाना खिलवाया। आप सब लोग इधर ही काम करते हो, आप लोग ये मजदूरी करते हो हैं? अच्छा, दिल्ली का मशहूर इलाका है जिसे हम चांदनी चौक के नाम से भी जान सकते हैं। तमाम मजदूर हमारे साथ में हैं, दिन भर रिक्शा चलाते हैं और शाम में कोशिश करते हैं कि 20-30-50 रुपये खाना बाहर से कोई खिला दे। लीजिए रोटी, अभी हम दिल्ली के मशहूर इलाके चांदनी चौक के अंदर हैं और हम यहाँ आए थे अपने कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ एक्सेसरीज लेने के लिए कैमरे की, लेकिन हमने देखा कि एक लंबी कतार लगी हुई है सिर्फ इस इंतजार में कि कोई बंदा आए और इन लोगों को खाने खिलाए। जब हमने पूछा इन लोगों से, जानने की कोशिश की, तो इन लोगों ने बताया कि बाबूजी हम यहाँ रिक्शा चलाते हैं या मजदूरी करते हैं, हमारे पास इतने पैसा नहीं होता जो हम शाम में खाना खा पाए, या फिर जो पैसा होता है वो हम कोशिश करते हैं कि वो पैसा बचाएं और अपने घर अपने बच्चों में भेजें। तो हमने कोशिश की, जीते तमाम यहाँ मजदूर लोग थे यहाँ पर, चाहे वो 150-200 मजदूर थे, हमने कोशिश की उन सबको खाना खिलाया जाए। खाना खिलाया भी, आखिरकार जो खाना था वो सब ख़त्म हो गया। लेकिन हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये काम अपने इलाकों में कर सकते हैं, अपने माशरों कर सकते हैं। देखिए आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे, रेलवे स्टेशन पर, अस्पतालों के आसपास देखिए ऐसे ज़रूरतमंद लोग मिलेंगे जहां आप ये काम शुरू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, सवाब का काम है, क्योंकि जो काम अल्लाह ने लिया है रिजक देने काम, वो काम आपसे ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें यूँ ही प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।